हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कंपटीशन वेरियस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। साथियों, सभी मित्रों, भाई बहनों, साथियों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं मिलजुल कर सभी साथियों भाई बहन ने। टॉपिक क्या है? डेली करंट अफेयर बाय रवि जी के। तो साथियों, डेली करंट अफेयर न्यूज जो बनता है दिन भर की सुर्खियों से, तो मैं वो सभी कंटेंट नोट्स करके तैयार करके आप लोगों के बीच में प्रोसीड करता हूँ, आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ, आप लोगों के बीच एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराता हूँ। तो साथियों, ये सेशन आप लोगों का SSC CBO CHSL CGL RRB NTPC ग्रुप डी बैंक UPSC जो आगामी प्रतियोगिता है। और साथियों, अभी 17 से 18 जुलाई तक CPO का रिक्वायरमेंट आया है, वैकेंसी आया है। तो प्लीज़ आप लोग SSC CPO का ग्रेजुएशन लेवल पे है साथियों, आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 100 रुपया चार्ज है साथियों, और ये ग्रेजुएशन लेवल पर है। और CHSL का जिनका एग्जाम मार्च से पहले था, जिनका पोस्टपोन कर दिया गया था, वो भी इस क्लास से आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि CHSL का एग्जाम अगस्त में होने वाला है, और CPO का अक्टूबर में, CGL का सितंबर में, और NTPC ग्रुप डी का हो सकता है तो नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी फरवरी में होने की संभावना है। तो साथियों, आप लोग अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कीजिए, घर बैठे लॉकडाउन में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, क्लास कीजिए। तो साथियों, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये आज, क्योंकि साथियों मैं आज आप लोग भी 17 और 18 दो दिन का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। तो साथियों, अच्छी तरीके से आप लोग बैठिए, कलम कॉपी ले लीजिए, और जिन साथियों ने अभी तक शेयर नहीं किया प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। और साथियों एक बात, आखिरी बात, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 16 जून को मनाया जाता है क्या? हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस का मनाया गया 16 जून को। हाल ही में CDB के नए निदेशक कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, CDB के नए निदेशक कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार सिंह। हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हो गया, वे कौन थे? लोकनायक। और हाँ साथियों, अभी फिलहाल दो दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक एक्टर थे उनका भी निधन हो गया। हाल ही में किस शहर में फिर से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है? तो चेन्नई तमिलनाडु। साथियों, चेन्नई तमिलनाडु में फिर से लॉकडाउन की घोषणा किया गया। हाल ही में किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू किया? तो EPFO ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू किया है। हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू किया है? तो ये ICICI बैंक साथियों, ICICI बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू किया। हाल ही में किसने गर्मी बैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया? तो जी किशन रेड्डी के द्वारा गर्मी बैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया गया है। हाल ही में कहाँ 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिभा स्थापित की गई है? तो डेलावेयर में। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट पुरे का निधन हो गया? न्यूजीलैंड के। और अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त यानी पाने वाली महिलाएं सिख महिला कौन बनी है? तो अनमोल नारायण। तो साथियों, ये था 17 जून का करंट अफेयर, और अब हम लोग करेंगे 18 जून का करंट अफेयर। तो चलिए साथियों, देखते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेज डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट कब मनाया गया? तो ये 17 जून को यानी कि कल मनाया गया वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट कब मनाया गया? 17 जून को। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टेट से संबंधित आप लोगों को SSC रेलवे में क्वेश्चन आता है। किसने COVID-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द किया है? साथियों, रद्द होगा, यहाँ पर कैंसिल होगा, तो ये केरला। मुख मल्तकली अबिल गाजियाब ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे मुखमल्द कली अल सॉरी अबिल गाजी प्रधानमंत्री
थे किर्गिस्तान के, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। दिनू रणदिवे का निधन हो गया। वे कौन थे? पत्रकार। साथियों दिनू रणदिवे का निधन हो गया। वे कौन थे? पत्रकार थे। और किस राज्य सरकार ने प्लेटेड फैक्ट्री मॉडल को अपनाने का फैसला किया? उत्तर प्रदेश। एक्सिम बैंक ने किस देश की सरकार को 21.57 करोड़ डॉलर के ऋण की सुविधा प्रदान की है? तो मलावी। आगे है साथियों, किसे खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हिमा दास जी को। नेक्स्ट, भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 51% साथियों, कुल देश में राज्य और केंद्र शासित यानी कि सेंट्रल और स्टेट मिलाकर अगर 100% होता है साथियों, जिसमें 51% नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्माण किया गया है और ये पूरी तरह डिजिटल हो गया है, तो काफ़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। और लास्ट क्वेश्चन, बैद्यनाथ का निधन हुआ, वे किस संगठन के पूर्व सदस्य थे? तो योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे बैद्यनाथ जी। तो ये था इसका करंट अफेयर। कैसा लगा आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर, और साथियों जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मैं रवि प्रकाश विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय युद्ध। और हाँ, आप लोग का इस क्लास का PDF के लिए आप लोग 82.10.78.75 व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसमें हर डे मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराता हूँ और अधिक से अधिक नोट्स भी देता हूँ आप लोगों को ऑफलाइन प्रिपरेशन करने के लिए। और टेलीग्राम चैनल निगी रेलवे GKGS ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप चलता है। और एक है GK by Ravi GK, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप लोग को अच्छा अच्छे नोट्स मिलता है रिविजिंग के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, लाइक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय युद्ध। थैंक यू।